नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एटीएम फ्रॉड से बच सकते हैं और आपका जो पैसा है और आपका जो एटीएम है सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों, आज के समय में लोग बैंक खाते से अपना पैसा निकालने के लिए ज़्यादातर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। यह एटीएम सुविधाजनक तो होता ही है, यह हमें बैंक के भीड़ भाड़ और चक्कर लगाने से भी बचाता है। एटीएम के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से पिछले कुछ वर्षों में एटीएम फ्रॉड की घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके एटीएम से कोई और व्यक्ति पैसा ना निकाल सके तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही कमाल का टिप्स देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यार, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, मशीन की जांच करें। दोस्तों, जब भी आप एटीएम से पैसा निकालने जाएं तो मशीन की जांच जरूर करें। बीते कुछ समय में कई ऐसे गिरोह पकड़े गए जो एटीएम कार्ड के पैनल, जहां आप कार्ड लगाते हैं, वहां पर छेड़छाड़ कर देते हैं और पैनल में प्लास्टिक नुमा एक चिप लगाते हैं। यूजर जैसे ही अपना कार्ड पैनल में डालता है तो कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी उस चिप में कॉपी हो जाती है। कुछ समय बाद आकर आरोपी उस चिप को एटीएम पैनल से बाहर निकाल लेता है और उसमें कॉपी की गई जानकारी की मदद से आपका पैसा निकाल लेता है। तो दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जब भी आप एटीएम के पास पैसा निकालने जाएं तो पैनल को जरूर ध्यान से देख लें। नंबर 2, सुनसान इलाकों वाले एटीएम का प्रयोग ना करें। दोस्तों, एक्सपर्ट पवन दुग्गल के अनुसार आरोपी ऐसे एटीएम को खास तौर पर निशाना बनाते हैं जो सुनसान इलाके में होती हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती है, इसलिए एटीएम से छेड़छाड़ करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि सुनसान इलाके में एटीएम का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। नंबर 3, एटीएम से पैसा निकालते समय किसी और की सहायता ना लें। दोस्तों, कई बार अपने बैंक के एटीएम की जगह दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने की वजह से उस एटीएम स्क्रीन पर मिलने वाले ऑप्शन काफी अलग होते हैं। इसके वजह से कई बार लोगों को इसके इस्तेमाल में काफी परेशानी आती है और वह लोग वहां पर खड़े लोगों की मदद मांग लेते हैं। कई आरोपी ऐसे मौके की फिराक में होते हैं, वह आपका एटीएम पिन देखने के बाद आपका कार्ड अपने कार्ड से बदल लेते हैं। ऐसे मौके पर यूजर को एटीएम कार्ड बदलने का पता तभी लग पाता है जब उसके खाते से पैसे निकल चुके होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी दूसरे की मदद ना लें, बल्कि आप अपने खुद ही एटीएम में जाएं और खुद ही से पैसा निकालें। नंबर 4, बिना कार्ड वाले एटीएम का इस्तेमाल। दोस्तों, ऐसे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने से बचे जहां पर सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे एटीएम में छेड़छाड़ करने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बिना कार्ड वाले एटीएम में ना जाएं। नंबर 5, अपना एटीएम पिन हमेशा चेंज करते रहें। दोस्तों, अपने एटीएम को हैकिंग से बचाने के लिए अपने एटीएम पिन को बदलते रहें। एक्सपर्ट पवन दुग्गल के अनुसार आप हर 6 से 8 महीने में अपने एटीएम पिन को बदलते रहें, इससे आपके खाते और कार्ड को हैक होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे 5 कमाल के टिप्स अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इसमें से कितने नियम को फॉलो करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने मेरे वीडियो के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।